न्यूज क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है अपार। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम एक ऐसे वकील से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने देश में निजता के कानून को, मतलब निजता हर एक इंडियन सिटीजन की अपनी प्रिवेसी है, हमारे अपने अधिकार हैं, और उसको लेकर आधार का कानून जब आया था उस समय जो पूरी बहस चली थी कानूनी क्षेत्र में, उसमें बहुत अहम सवाल उठाए थे। और आज जब देश की संसद में इस पर बहुत कम या बगैर चर्चा के लोकसभा में पारित हो गया, बाकी जगहों पे इस पे तकरीबन ना के बराबर जानकारी है, उस समय अपार बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है, इससे सबसे बड़ा खतरा अगर आप हमें बहुत सहज सरल शब्दों में बताएं कि बतौर भारतीय नागरिक मैं मेरे ऊपर क्या खतरा है, मेरे जो वोट डालने के अधिकार है, जो सीक्रेट बैलेट की बात हम करते हैं कि गुप्त मतदान पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है, तो आधार से कैसे इस पर दिक्कत आएगी, क्या संकट होगा? आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ने से दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली ये दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है उनका नाम उससे निकाला जाएगा, और सरकार ने बोला है कि वोटर प्यूरिफिकेशन मतलब इलेक्टोरल रोल को सही तरीके से प्रिपेयर करने के लिए वो आधार जोड़ रहे हैं। पर आधार रिकॉर्ड में खुद ही बहुत बहुत सारी एरर्स होते हैं और वो सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं होती, मतलब नागरिकता के बेसिस पे नहीं होती, वो रेजिडेंसी के बेसिस पे होती है, कौन भारत में रह रहा है, नहीं ना कोई कि वो व्यक्ति की वो अगर भारत में रह रहा है वो भारत का कोई मतलब भारत का सिटीजन भी हो। तो बहुत बारी हमने ये भी देखा है कि आधार को जैसे जोड़ा जाता है कंपल्सरली, बहुत लोग जोड़ नहीं पाते अपना आधार सर्विसेज के साथ भी। तो इन दो तीन कारणों के वजह से बहुत लोगों के नेम नाम जो इलेक्टोरल रोल में है उनका जो अधिकार है वोट डालने का वो छीना जा सकता है। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि तेलंगाना में स्टेट इलेक्शन जब हुए थे 2-3 साल पहले, तो करीबन 40 लाख लोगों के नाम क्योंकि आधार स्टेट इलेक्टोरल रोल से जोड़े गए थे उनसे निकाले गए थे, और बहुत सारे लोग जब उस दिन अपना मतदान देने गए तो वो दे नहीं पाए, और इस पे काफी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, लोग देख सकते हैं। दूसरा जो बड़ा इसमें संकट आता है वो वोटर प्रोफाइलिंग के वजह से आता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें आधार आपका बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, और वो बहुत लोगों जो 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 कम आयु की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस सेक्शन से जो आते हैं, वो सब्सिडीज बेनिफिट्स के लिए, ये तो मैंडेटरी है, ये राशन के लिए तो मैंडेटरी है ही, तो उसमें देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां आधार डेटा चुरा लेती हैं और फिर उन लोगों को मैसेज भेजती है उनके मोबाइल फोन पे कि आप हमारी पार्टी के लिए वोट करिए। या पहले ही देख चुके तमिलनाडु में, इसमें तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर भी पास किया है इसी साल, बोला है कि UIDAI जो आधार की अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर देखना चाहिए। तो ये दोनों संकट जो है, पहला आपका मतदान डालने का जो हक है, और दूसरा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टियों को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए इंफॉर्मेशन जो अपने कोई भी सब्सिडी बेनिफिट के लिए, उन दोनों पे बहुत बड़ा संकट पड़ेगा। इसी के लिए ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने, मतलब करीबन सभी ने इसका विरोध किया है। जी अपार, दो चीजें बहुत अहम जो उभर के आ रही हैं। एक तो ये कि सरकार धीरे धीरे तकरीबन हमारे जीवन से जुड़े जितनी चीजें हैं सबको आधार से जोड़ा गया है, यहाँ तक कि जो कोरोना वैक्सीन, कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है उसमें भी आधार नंबर तकरीबन हर जगह उसका एक है। मैं और आप जो इनकम टैक्स भरते हैं उसमें भी आधार के बिना हम इनकम टैक्स नहीं भर सकते। जो बुनियादी चीज लोगों को लगता है कि भाई एक नंबर ही तो है, इस नंबर को देने में क्या नुकसान है, तो क्या जो हम आप बता रहे हैं खतरा कि इससे कुछ लोगों को बाहर किया जा सकता है, क्या ये जो कानून पेश किया है सदन में और जिस तरह से इसे पारित किया गया है लोकसभा में, आगे की तैयारी है उससे, इस कानून में ऐसे प्रावधान है क्या कि जिसमें हम ये मान सकें कि कुछ लोगों को बाहर निकाला जाएगा?
देखिए, आधार का जो कानून आ रहा है वो आ रहा है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 के अंडर। मेरे हिसाब से अब एक्ट बन गया है कि जैसे हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में पास हो गया, मतलब 2 दिन में संसद में डाला गया, लोकसभा में इंट्रोडक्शन 2 बजे सप्लीमेंट्री एजेंडा डाला गया कि पास भी करेंगे। लोगों ने, विपक्षी पार्टियों के और काफी संसद संसद के मेंबर्स ने बोला हमें तो अमेंड भी करने के लिए आपने समय नहीं दिया, डिस्कस करने का समय नहीं दिया, तो पूरा खारिज कर दिया लोकसभा, आज राज्यसभा से भी कर दिया। और ये अगले आखिरी हफ्ते में हुआ है जिसमें दिल्ली में गोर की ठंड पड़ी है और बहुत सारे संसद सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में वापस चले गए हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि ये एजेंडा जो था, ये शुरू में लिस्ट ऑफ बिजनेस जो निकलती है ना विंटर सेशन की, उसमें सरकार ने डाला ही नहीं था। तो देखिए, इसमें सही तरीके से चर्चा नहीं हुई है और इसमें ये चर्चा नहीं हुई है क्योंकि सरकार ने मीडिया में बहुत ये बोला है जो आप बात बता रही थी कि ये वॉलंट्री है, आप जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम नहीं काटा जाएगा इलेक्टोरल रोल से। पर ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि हमने पहले अपने ही एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जब सरकार किसी भी चीज को आधार से जोड़ती है वो चीज मिलती ही नहीं है जब तक हम आधार नहीं दें। मोबाइल फोन नहीं मिल रहे थे, नंबर नहीं मिल रहे थे लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई सरकार को। बैंक अकाउंट से जोड़ दिया था, बोला था बैंक अकाउंट नहीं मिल सकते अगर आधार नहीं आप जोड़ेंगे अपना। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। और देखिए कि अब जब वोटर इलेक्टोरल रोल से जोड़ रहे हैं, इसके अंदर सेक्शन 23 क्लॉज 6 डाल रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप आधार रिफ्यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हम आधार नहीं देंगे, पर उसके बेसिस पे आपको कुछ और देना पड़ेगा, कोई और आईडी देना पड़ेगा, और वो कैसे देना पड़ेगा और कैसे आपको दिखाना पड़ेगा वो सरकार कल को तय करेगी। और सरकार मेरे हिसाब से ये ऐसे तय करेगी, और दिस विल हैव एन इम्पैक्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। वो कहेगी आधार को आप ऑनलाइन जोड़ लीजिए, पर अगर आप पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस लेकर जा रहे हैं सबसे पहले गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए, नोटरी से साइन करवाइए, और उसके बाद आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दफ्तर में खुद जाइए। कितने लोग जाएंगे, कितने लोग वेरीफाई करेंगे, तो इतनी बाधाएं बढ़ जाएंगी। सब कहेंगे अगर मुझे वोट डालना है मैं आधार जोड़ ही देता हूँ, और इसमें बुरी बात क्या है, इससे तो वोटर रोल प्यूरिफाई हो रहे हैं, भारत के नागरिक ही वोट कर पा रहे हैं। पर वो ये उनको गौर से सोचना चाहिए कि आधार तो रेजिडेंसी प्रूफ है, वो तो भारत नागरिक, आप भारतीय नागरिकों के लिए आधार थोड़ी है, भारत में रहने वालों के लिए आधार है। तो मेरे हिसाब से ये वॉलंटरी बिल्कुल नहीं होएगा, ये मैंडेटरी होएगा, इससे लोग वोट नहीं दे पाएंगे और वोटर टारगेटिंग और प्रोफाइलिंग बढ़ जाएगी। जी, जब हम बात करते हैं अपार की वोटर टारगेटिंग या वोटर की प्रोफाइल हो जाएगी और बहुत से लोगों को निशाने पे लिया जा सकता है, तो क्या ये संभव है कि आधार के जरिए जो सत्ता में लोग बैठे हैं या जो रूलिंग पार्टीज हैं या जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वह यह पता लगा पाए कि उस इलाके के कितने लोगों ने किसको वोट दिया, या क्या ये जो चिन्हीकरण, क्योंकि आज की तारीख में मैं और आप किसको वोट देते हैं ये हमारा अपना मामला है। प्रोफाइलिंग का खतरा जो है वो कुछ लोगों ने बोला है, पर मेरे ओपिनियन में प्रोफाइलिंग का और सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो चाहे टेक्निकल सिस्टम से इम्पैक्ट नहीं हो, मतलब अगर कोई वोटिंग के समय पे आप जो इलेक्टोरल वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी करते हैं उसके बेसिस पे आपको कोई और टोकन दिया जाता है या आपको लाइन में डाला जाता है और फिर आप जाके वीवीपैट पे अपना अंगूठा दबाते हैं और वो मशीन रिकॉर्ड करती है, वो दो डिफरेंट सिस्टम होते हैं। पर इससे एक भय तो बन जाता है लोगों के दिमाग में कि ये पता लग रहा है कि आधार से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आधार तो वो भी कैद कर रहा है ना, क्योंकि वो आपके मोबाइल फोन से कैद है, आपके बैंक अकाउंट से कैद है। और कल को टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ रही है कि वो डेटा अगर सब एक जगह डाला जाए, और बहुत सारे प्रश्न ये भी उतर आज की डेट पे उतर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट है, कितना ऑटोनॉमस है, मतलब कि वो सरकार को कितनी बारी बोल सकता है कि नहीं हमें अपना काम करने दीजिए, आप अपनी सरकार चलाइए, हम इलेक्शन करेंगे। तो इसपे भी बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है। तो मेरे हिसाब से अभी टेक्निकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुआ है कि आधार को जोड़ने से सीक्रेसी ऑफ बैलेट विल बी अंडरमाइंड, पर इससे लोगों के दिमाग में भय बन जाता है जिससे भी सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज अंडरमाइंड। मतलब अगर आपको कल को लग रहा है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा सरकार के हित के खिलाफ तो मुझे जेल में डाला जा सकता है, वैसे अगर मैं सरकार के खिलाफ अगर वोट डालूंगा किसी और पार्टी के लिए, क्योंकि कोई और सरकार आनी चाहिए, तो
आपके दिमाग में अगर भय आता है उसे चिलिंग इफेक्ट बोलते हैं, और उसके वजह से मैं कहता हूँ सीक्रेसी और बैलेट इज इनफैक्ट अंडरमाइंड बाय दिस मूव। जी, एक और बहुत अहम चीज जिसपे चर्चा करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में जितनी कल्याणकारी योजनाएं, जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, राशन हो, सारी चीजें, हमारी सारी चीजें आधार से जुड़ी, सब में आधार नंबर है, और उसका दावा ये है कि एक क्लिक ऑफ बटन पे सारी जानकारी आ जाती है। इससे पहले भी तमाम लोग अलग अलग दिखा चुके हैं कि एक क्लिक ऑफ बटन से कितनी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। हम जानते हैं कि आज की तारीख में भी कल्याणकारी योजनाओं में, मुफ्त राशन में भी नेताओं की फोटो होती है, तो वो तो घर पहले ही पहुंचे हुए। तो ये जो एक दबाव की राजनीति में आधार कार्ड को यूज किया जा सकता है, ये जो आशंका है, ये कितनी सही है? देखिए, ये आशंका बिल्कुल सही है। इसके दो कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहला कारण तो ये है, आपने बोला कि बहुत सारी जो सरकारी स्कीमें हैं, वो चाहे राशन की हो, एलपीजी की हो, नरेगा की हो, उनसे आधार जोड़ा जा रहा है, तो उसका उससे क्या होता है? सबसे पहली चीज ये होती है कि अब बहुत सारा एविडेंस और स्टडीज निकलती आ रही हैं जो ये दिखा रही हैं कि बोला गया था कि लीकेज बंद करनी है, एक व्यक्ति दो लोगों का राशन खाता है ये बोला जा रहे थे, या भारतीय नागरिक नहीं कोई और लोग राशन ले रहे हैं और आप उसके पैसे डाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज लोगों को ये याद रखनी चाहिए कि भारत का जो निर्माण हुआ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े, वो इसके लिए हुआ है, वेलफेयर स्टेट के लिए। सब लोग एक तरीके से नहीं है, हम एक पुअर कंट्री हैं, जिसके वजह से जिन लोगों के पास पैसे हैं उन्हें टैक्स भरना पड़ता है, जैसे दूसरे लोग हैं वो भूखे नहीं मरे। तो वी हैव अग्रीड ऑन दैट प्रिंसिपल, सबसे पहली बात वो है। उसके बेसिस पे हमें ये समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं, ये राशन जो है, ये यूनिवर्सल है, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप बोल के कि आप ये पेपर लाइए, क्योंकि लोगों को खाना देना एक राइट है, वो भूखे नहीं मर सकते भारत के अंदर। और मेरे को लगता है सभी इससे किसी को इससे आपत्ति नहीं होगी, पर लोगों को आपत्ति है। तो अब जब आधार जोड़ते हैं, अब क्या होता है, जिन लोगों को राशन मिलना भी चाहिए एज ए लीगल राइट एंड एंटाइटलमेंट, उन्हें नहीं मिलता। और मैं नहीं बोल रहा, एज ए सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, सरकार का नेशनल इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, वो बोलता है देयर आर एक्सक्लूजन ऑफ 8-12% इन सेवरल स्टेट्स ड्यू टू आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर थंबप्रिंट लगा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, मैच नहीं हो रहा। इतनी स्टडीज हैं, वो कहती है लोगों को पेड़ चढ़ने पड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि कनेक्शन नहीं आ रहा, बहुत सारी टेक्निकल एरर्स हैं। तो दिस इज रिजल्टिंग इन इंडिग्निटी, डिनायल। एंड और अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप किसी वोटिंग मशीन में डाल दें तो यही होएगा, बहुत लोग वोट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें ये है, आप देखें कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी अगर सब्सिडी या कुछ भी दे रही हैं, उस पर अपनी तस्वीरें छापने लगी है। मैं कहूंगा यही सरकार नहीं कर रही, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किया है। इनफैक्ट साउथ इंडिया की गवर्नमेंट्स हैव बीन इनफेमस फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल अपीजमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, जो मुझको लगता है अपीजमेंट नहीं है, लोगों को देना चाहिए पर अपना चेहरा नहीं डालना चाहिए। देखिए, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक चीज बहुत, मैं फिर से मद्रास हाईकोर्ट का मैं बस बता देता हूँ आपको क्या बोला उन्होंने पढ़ के। उस ऑर्डर में उन्होंने ये बोला है कि इट इज एपरेंट दैट द सिक्स्थ रिस्पोंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी बोल रहे हैं, ये तमिलनाडु में हुआ है, मे हैव रिसॉर्टेड टू अ फॉर्म ऑफ कैंपेनिंग। मतलब उन्होंने लोगों को बल्क एसएमएस भेजे, लिंक्स भेजे टू ज्वाइन द पार्टीज बूथ लेवल व्हाट्सएप ग्रुप्स। मतलब आप लिंक भेज रहे हैं लोगों को कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल पॉलिटिकल ग्रुप में, आप कहाँ रहते हैं, आप उधर के बूथ लेवल पॉलिटिकल ग्रुप में व्हाट्सएप पे आप मेंबर बनिए। कोर्ट बोलती है दिस इज नॉट परमिसिबल अंडर द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट पर्सनल डिटेल ऑफ वोटर्स एंड सिटीजंस मे हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सच पॉलिटिकल पार्टी एंड पुट टू यूज फॉर कैंपेन पर्पसेस। अनफॉर्चुनेटली रादर दैन इंक्वायरिंग द सेवंथ रिस्पोंडेंट यूआईडीआई अथॉरिटी, जो आधार अथॉरिटी है, इज ट्राइंग टू असर्टेन हाउ द पर्सनल डिटेल्स ऑफ वोटर्स मे हैव बीन लीक्ड फ्रॉम इट सिस्टम्स, सच अथॉरिटी अक्यूजेस द पिटिशनर ऑफ नॉट हैविंग ब्रॉट द मैटर टू द नोटिस ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी, फुल स्टॉप। द इलेक्शन कमीशन However, says that it is brought the matter to the notice of the seventh respondent. The seventh respondent should immediately ascertain how such material could have been accessed by a particular political party. तो ये हो रहा है,
और ये कब की रिपोर्ट है? ये मार्च 26, 2021 की रिपोर्ट है जो मैं हिंदू से पढ़ रहा हूँ, जिसका टाइटल है फाइंड आउट इफ आधार डेटा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, मद्रास हाईकोर्ट डायरेक्ट यूआईडी है। तो लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि अगर आधार आप वोटिंग रिकॉर्ड से जोड़ रहे हैं उससे कितना हमें हार्म होएगा, उतना डेमोक्रेसी अंडरमाइन होगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया अपार न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि जो इस समय चिंताएं हैं और खास तौर से जिस तरह से इस इतने अहम, मुझे लगता है कि चुनाव में मतदान को लेकर, आधार को लेकर जितनी चिंताएं पहले से रही हैं, और ये एक सिलसिला भी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी वो इलेक्शन कमीशन से भी बातचीत कर रहे हैं, वन नेशन वन वोट की बात कर रहे हैं, अलग अलग ढंग के कॉन्सेप्ट्स इस समय भारतीय डेमोक्रेसी में चल रहे हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कई उसकी प्रस्तावनाओं को, कई उसके बेस को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बुलडोज किया गया है पार्लियामेंट में, जिस तरह से इसे पारित कराया गया है, बिना किसी ठोस चर्चा के पारित कराया गया है, जैसे आपने बताया कि बिना कोई अहम मांग के, कोई ऐसी कमीशन नहीं बना, किसी ने ऐसी डिमांड नहीं की, जिस तरह से इसे पारित किया गया है, और आधार को लेकर जो चिंताएं थी, जो आशंकाएं आप तमाम लोग जता रहे थे कि ये हमारे जीवन के हर हिस्से में घुस जाएगा और एक सर्विलांस स्टेट में इंडियन स्टेट तब्दील हो जाएगा, ये सारी आशंकाएं इस समय बिल्कुल सच्ची दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया, हम अपनी बातचीत आगे आपसे करेंगे और गहराई से जानने को कई मुद्दों पर कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।